तो हमने दूसरे दिन लाजमी जो है ना दाना चेंज करना होता है। ये देख लें, ये साफ किया हुआ दाना है, मतलब दोनों कार्नर में रख लूँ। सर्दी ये 9 पिक आप देख सकते हैं परिंदे, ये देखें इसकी अब ये प्लकिंग हुई है, इस पर हमने वो स्प्रे किया है आज विंग्स तक के जो है ना, ये देखें ये कह लें कि फीदर जो पिन्नें होती हैं उनको भी चबा डाला है। ट्रीटमेंट जारी है, लवबर्ड अगर आपने रखे हैं तो आपको हैंड फीड की एक्सपर्टी लाजमी होने चाहिए। मैं इसकी हालत रात को बहुत ही गैर थी, अब अल्फाज बच्चे पाल रहा, छोटे को भी पाल रहा है। देखी देखी इनको छोटे साहब, कल हो ना ये माशाल्लाह देखें जी, अब ये रेड एज क्रीमिनो बनता है या अल्बिनो रेड एज। वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाला अली एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपके बर्ड खैर वाफिया से होंगे। तो चले लव बर्ड वाले सेटअप पे मौजूद हैं, तो इधर शुगर मेला इंटरटेनमेंट और कुछ चीज़ें मैंने भी आपसे क्वेश्चन करने हैं कमेंट में, आपने बताना है, कुछ आपको सिखाते हैं कुछ आपसे सीखते हैं। तो चले वीडियो का बकायदगी से आगाज करते हैं। छोटे उस्ताद साहब पूरी मौज में जो है ना सिलाई की कर रहे हो, खिदमत कर रहे हैं लव बर्ड की, लव बर्ड की खिदमत हो रही है। ये खिदमत एक खिदमत खलक होती है, एक खिदमत परिंदाज होती है, ये हो रही है परिंदों की खिदमत। तो रूटीन में जैसा कि दाना आप देख सकते हैं हमारी रूटीन है, अब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है तो हमने दूसरे दिन लाजमी जो है ना दाना चेंज करना होता है। ये देख लें ये साफ किया हुआ दाना है, मैं क्लोजअप करके दिखाता हूँ लव बर्ड को जो दाना यूज़ हो रहा है। एक साइड पे इसमें हम जो पुराना दाना है वो देखें, ये अभी निकाला है, ये इधर इधर से नया डाल देना है। इस वाले को दोबारा ये मशीन पड़ी है इधर से निकलवा के इसका बूरा वगैरह या जो फोक होगा लैदा हो जाएगा, ये इस फार्म में आ जाएगा, इसमें मज़ीद नया ऐड करेंगे और इनको दोबारा जो है ना सर्व कर देंगे। इसी तरीके से हम दाने को चला रहे हैं। उसके बाद मज़ीद कुछ इशू आ रहे थे, उसके लिए आपका भाई मुख्तलिफ तरह के तजर्बे कर ही रहा है कि यार ये मसले मसाइल हल हो जाएं। अभी मैंने जो है ना ये एक लिक्विड इस पे लोकल ही ब्रांड बना हुआ है ये लेके आया हूँ, एक शीशी शीशियाँ गिने पहले, उसके बाद ये है, ये एक पड़ी है, ये मैंने दो में डिवाइड की थी ताकि दोनों कार्नर में रख लूँ। सर्दी ये 9 पिक आप देख सकते हैं, परिंदे जो है ना प्लकिंग करनी यार स्टार्ट कर दी है, तो मेरी समझ से बालातर है ये मसला कि मैं इनको कैसे जो है ना लेके चलूँ कि क्या इनका ट्रीटमेंट करूँ। मेरी मैंने हर चीज़ कर दी है, ये इनकी गंदी आदत है, कुछ पेयर ऐसी प्लकिंग कर रहे हैं कि ऐसे सिर पे हाथ मार लूँ। तो अभी जैसा कि इधर है, इधर देखें, ये देखें माशाल्लाह बच्चे तो नीचे पल रहे हैं। अब कई जगह पे ओ यार चल अंदर जा, अंदर भाग जा, अंदर भाग जा, अंदर भाग जा, तेरा नीचे नहीं काम है कोई, सारा हाथ गंदा कर दिया इस जालिम ने। चलें ये देखें इसकी अब ये प्लकिंग हुई है, इस पर हमने वो स्प्रे किया है आज, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है कि माँ बाप इसका जो है ना इसको खाना पीना छोड़ दे। तो एक और इधर आपके साथ इम्पोर्टेड टिप जो है ना मैं ऐड करता चलूँ, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, मैं तो लास्ट ईयर से ही जो है ना कर रहा हूँ। ये देखें इधर देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चे, अब इधर वाले बच्चों के ये देखें, ये इन्होंने पिन्ने तक खा दिए हैं सर जी, इतनी जालम प्लकिंग कि इन्होंने इनके विंग्स तक के जो है ना ये देखें, ये कह लें कि फीदर जो पिन्ने होती हैं उनको भी चबा डाला है। अभी आप डब्बे में देख सकते हैं मैंने फ्रेश बूरा डाला है, और ये बच्चा जो है ना मैं इसको बाहर निकालता हूँ, इसको देखें ये मुंह ऊपर करेगा और सांस बहुत मुश्किल से ले रहा है। ये देखें इसको हुआ ये है कि जब मैं आया हूँ शेड पे तो बूरा भी डाला है ना, तो नीचे गंदगी की वजह से ना इसके नाक नाक के सुराख जो हैं, क्लोजअप करके दिखाता हूँ, ये नाक के जो सुराख है ना इधर ड्रॉपिंग लग गई थी जिसकी वजह से इसका सांस नहीं था निकल रहा और मुंह से सांस ले रहा था। फिर मैंने इसको साफ़ किया सर्जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है सेट हो जाएगा। तो आपने ख्याल रखना है, डब्बों की चेकिंग करनी है कि बच्चों के मुंह पे ड्रॉपिंग तो नहीं लगी, यही ड्रॉपिंग अंदर जाके गले में कैंकर सोजस और मुख्तलिफ जो है ना बैक्टीरिया जरासीम पैदा करती है जिसकी वजह से बच्चे फीड देना छोड़ देते हैं और बच्चे ग्रो नहीं होते। इधर माशाल्लाह कुछ ये तो माशाल्लाह कवर हो गए हैं, पर इनकी भी हल्की हल्की प्लकिंग कर रहे हैं, ये काबिल कबूल है, चले बाद में इनकी हो जाएगी क्लियर। तो ये नया टू कवर है, बाकी प्लकिंग का सर जी आपने भी बताना है। मैंने 9 पिक इस्तेमाल की, मुझे कह लेंगे जितने दिन इस्तेमाल करता हूँ ना उतने दिन अफादा रहता है,
उसके बाद अफादियत गैर, तो दो तीन दिन के बाद फिर जो है ना रूटीन वही हो जाती है। तो ये लेके आया हूँ लोकल आर्ट यूज की है, इसका आगे रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद सर जी ये क्रीमिनो है, अचानक से कह लो कि ढिला पै गया सी, तो इसका ट्रीटमेंट जारी है। लबड़ अगर आपने रखे हैं तो आपको हैंड फीड की एक्सपर्टी लाजमी होने चाहिए। मैं इसकी हालत रात को बहुत ही गैर थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। एक बल्ब इसको लगाया हीट के लिए और हैंड फीड करवाई है। कोई हैंड फीड ले आए, केस्टी हैगन सीटाकस जिसकी मर्जी ले आए, फिर आपको जो है ना इसको हैंड फीड लाजमी करवानी है स्पार्क डाल के। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमने अपने बर्ड को जो है ना अच्छे तरीके से ले कर चलना है, ताकि जो है ना वो किसी भी किस्म का हमें जो है ना परेशानी का सामना ना करना पड़े। थोड़े साल की हो रहे हैं, इधर तो गौर करें ना करी यार। यार बजरी इसके बच्चे हैं, ये इसके बच्चे हैं, एग्जीबिशन के हैं। बस आपने गिनती करते जाना है कितने हैं। एदे ही ने सारे, एदे ही ने सारे। ओ माशाल्लाह ब्यूटीफुल शायद। इधर पहले माँ बाप दिखाऊँ ना, ये माँ बाप है इनके। अच्छा ये देखें माशाल्लाह, इसका साइज चेक करें अभी। ब्यूटीफुल हो गया, अंदर है कितने ही यार। अंदर दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह पाउंड करे बस यार। आप ओए भाग ना जाए, छोटा सा यार इसको पकड़ लेंगे। ये ले एक और छोड़ दे उसको, ये दो, ये ले ये तीन, ये ले चार। और ना कर यार, किधर से निकाल लें यार, देख ही जाए आप। ये ले अंदर सुरंग है कोई, पांच जी जी सुरंग ही है। ये ले छह, और ये माशाल्लाह ये आप चेक कर, ये देख। अच्छा ये एक छोटा सा भी अंदर ही है, छोटा सा भी देखे ना, वो उनके साइज बराबर नहीं है, फिर भी इसको फिट। यार माशाल्लाह छोड़ हां जरा यार, ये क्या चीज है व्यूअर्स, चेक करें माशाल्लाह। ये केला एग्जीबिशन का पेयर, सात बच्चे पाल रहा, छोटे को भी पाल रहा। ओए देखी देखी इनको, भाग जो माशाल्लाह यार, दिल कुछ कर दिया इस पेड़ में। एग्जीबिशन की बहुत कंप्लेन होती है कि वो बच्चे नहीं पालते, तो माशाल्लाह आप प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं, कितने कितने बच्चे निकले। आप माशाल्लाह भी कह दीजिएगा, कहीं ये ना हो दोबारा डब्बा खोलूँ तो मुझे डेड बॉडियाँ मिले, तो आपकी मेहरबानी है आपने माशाल्लाह। लाजमी लाजमी। तो इसी तरह छोटे साहब मैंने जी सुना है कि तेरे डब्बे भी जो है ना अंडे फल्ट आए। जी जी माशाल्लाह बच्चे निकल आए हैं ना कर, सही बात। ये हमारे छोटे साहब का टावर है माशाल्लाह, क्रिमिनो वर्किंग के इसके बच्चे निकले, खुद ही अपने हाथों से उठाएगा। एक दो पाँच अंडे थे, पाँच में से तीन फल्ट आए हुए, तीन फल्ट आए में से एक जो है ना इस क्रैक होके निकल नहीं पाया, वो अंदर ही मर गया। दो माशाल्लाह निकल आए, देखे माशाल्लाह। छोटे साहब कल ही ना, ये माशाल्लाह देखें जी, अब ये रेड एज क्रीमिनो बनता है या अल्बिनो रेड एज, ये हमारे छोटे साहब के मुकद्दर होंगे। तो माशाल्लाह जी इसके भी जो है ना इधर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वंडरफुल रिजल्ट है। मैंने ब्रीड थोड़ी सी कम दिखानी इस वजह से कर दी है कि क्योंकि सर जी पीछे ना ब्रीड दिखा के कुछ नुकसान हुए थे, तो इसलिए मुझे मना किया गया कि आपने सारी ब्रीड नहीं दिखानी। तो चंद एक पैरों की जो रूटीन वाइज हमने टिप्स एंड ट्रिक्स करने होते हैं, वो आपके साथ चंद एक पैरों के जो है ना दिखा के शेयर करते रहते हैं। इसी तरह आपने पूरी हॉबी को लेकर चलना, डे बाई डे आपको गाइड करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग देख के आपको बहुत मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा मुझे और छोटे उस्ताद को। छोटे उस्ताद ठीक है, ओके इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।